Back in my channel, today we are going to study class 7 science chapter 6 physical and chemical changes. यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए. बाकी के इससे पहली जो वीडियो है मैंने काफ़ी इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक मिले आप जाकर दे सकते हो. मैथ के भी मैंने इंट्रोडक्शन फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया है. बाकी बाल महाभारत का था पूरी सीरीज पूरी बुक कंप्लीट है और उसके क्वेश्चन आंसर की सीरीज भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है. एक वीडियो रह गई 36 चैप्टर तक मैंने कंप्लीट करा दी इसके क्वेश्चन आंसर आप सबके लिंक मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. तो इसमें शुरू करते हैं हम. तो इसमें फिजिकल एंड केमिकल चेंज पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि फिजिकल चेंजेस क्या होती है कि जब कोई नया सब्सटेंसेस नहीं बनता बाकी के उसमें आकार में और उसके साइज में ही मतलब उसमें चेंज होता है तो फिजिकल चेंजेस होते हैं. केमिकल चेंजेस क्या होता है तो केमिकल चेंजेस क्या होता है कि जिसमें किसी भी चीज़ से दूसरा सब्सटेंसेस बन जाता है तो उसे केमिकल चेंजेस मिलते हैं. तो इसी तरह से अब जैसे मैग्नीशियम इससे क्या होता था कि जब हमने इसने मैग्नीशियम की जो स्ट्रिप को जलाया था तो इससे क्या नया सब्सटेंसेस बना. मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन हमने जलाया क्योंकि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन मतलब उसके जब हम जलाते हैं तो उसमें ऑक्सीजन जो गैस है वो इंक्लूड हो जाती है. उससे क्या बना था मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था. इससे क्या हो कि नया सब्सटेंसेस बनाया. अब आगे देखते हैं कि हम इस वाले चैप्टर में एक्टिविटीज़ इसमें है हमारा 6.7 तो टू बी द ए डेमोस्ट्रेटेड बाय द टीचर. ये भी आपको मतलब टीचर के द्वारा ही दर्शाना चाहिए दर्शक करके दिखाना चाहिए क्योंकि थोड़ा काफ़ी डेंजरस होते हैं इसलिए केमिकल चीज़ें होते हैं तो टीचर को ठीक से सावधानी पूर्वक करके ही आपको बताना चाहिए. फिर हमें सबसे पहले इसमें डिसोल अबाउट ए टी स्पून द फुल ऑफ द कॉपर सल्फेट. आपको क्या करना है एक पूरी चम्मच भरकर कॉपर सल्फेट जिसको हम ब्लू विक्ट्रोल या नीला तोता बोलते हैं उसको हम क्या करना है अबाउट द हाफ ए कप ऑफ वाटर इन द ग्लास टम्बल एंड बीकर. आपको किसी बीकर में या किसी भी टम्बल जो ग्लास होता है उसको हाफ पानी में एक फुल भरकर कॉपर सल्फेट को उसको डालना है. एड द फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द ए डायलिटिक सल्फ्यूरिक एसिड्स टू द सोल्यूशन. फिर आपको कुछ ड्रॉप की जो बूंदे होती है वे डायलिटिक सल्फ्यूरिक एसिड को उस सोल्यूशन में मिला देना है. फिर हमें यू शुड द गेट ए ब्लू कलर द सोल्यूशन. आपको क्या वो उसमें क्या होगा कि आपको एक ब्लू कलर का सोल्यूशन मिलेगा. मतलब क्या होता है किसी भी ट्रम्बल या बीकर में जब हमने आधे कप या वाटर में एक ग्लास में सबसे पहले हमने उसको एक कॉपर सल्फेट डाला पूरी चम्मच और उसके बाद उसमें हमने मिलाया सल्फ्यूरिक एसिड को तो उसका कलर ब्लू कलर में कन्वर्ट हुआ है. तो ब्लू कलर जैसे इसमें दिया है आपको कि ये पानी है इसने ये इसमें टम्बल लिया है इसमें जब कॉपर सल्फेट डाला और कुछ बूंद उसके डाल तो किस में चेंज हुआ तो ये ब्लू कलर में चेंज हुआ है. फिर इसमें आगे दिया हुआ है इसमें सेव इट इज स्मॉल. आपको क्या करना है सेव ए स्मॉल द सैम्पल ऑफ द सोल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब और द स्मॉल द ग्लास ऑफ वाटर. आपको क्या करना है कुछ जो सैंपल है कुछ सोल्यूशन की कुछ चीज़ों को एक टेस्ट ट्यूब में अलग रख देना है. ड्रॉप ए नेल और ए द यूज ऑफ द ए सेविंग द ब्लेड इन टू द रिमेनिंग द सोल्यूशन. जो भी बात कर एक तो हमने कुछ रख दिया फिर हम देखेंगे कि क्या उसमें कुछ अलग से चेंज हुआ है तो कुछ जो भी सोल्यूशन है उसको अलग रख देंगे. उसके बाद हमने क्या किया उसको निकाल के रखा कि जो ब्लू कलर का था वो. अब उसके बाद हमें क्या करना है या तो आपको एक सेविंग ब्लेड को डालना है उस पर या आपको कील डालनी है लोहे की उसमें जो बचा हुआ सोल्यूशन मतलब कहते हैं कि ट्रम्बल में हमने क्या जो ट्रम्बल में हमारा उसमें ड्रॉप करी थी तो कुछ तो हमने इसमें से निकाल लिया सोल्यूशन जो ब्लू कलर का क्योंकि ब्लू कलर का इसमें जब हम ऐड करा वो मिला. अब हमने क्या कि जो बचा हुआ इसमें है तो इसमें हमने एक नेल डाला या फिर आपको सेविंग प्लेयर डाला इसमें रिमेनिंग सोल्यूशन में. वेट फॉर द हाफ एंड द आर. आपको आधा घंटा वेट करना है. ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सोल्यूशन. फिर आपको ऑब्जर्व करना है कलर सोल्यूशन है. कंपेयर इट विद द कलर ऑफ द सैम्पल द सोल्यूशन द सेव द सेपरेटली. फिर आपको उसको कंपेरिजन करनी है. अब आप देख लीजिए कि जैसे मतलब ये वाला जो सोल्यूशन था ये वाला ब्लू कलर का था जो इसमें कॉपर सल्फेट ऐड करा था इसमें फिर सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ बूंदें हमने ऐड करी थी ब्लू कलर में कन्वर्ट होता था. उसके बाद जब हम इसमें एक आयरन का कुछ भी डाला नेल डाला है अब इसमें इसने क्या डाला है सेविंग ब्लेड डाला तो इससे क्या होगा जब इसके बाद आधा घंटे के बाद तो किस में कन्वर्ट होगा ग्रीनी कलर में कन्वर्ट होगा. तो ये क्या हुआ ये इसमें रिएक्शन करा इस केमिकल चेंजेस का और नया चीज़ बना. तो ये भी एक तरह से हमें कहते हैं कि केमिकल चेंज होगा
अब हमने इसको देखा, फिर आगे है इसमें कि डू यू द सी एनी द चेंज इन द कलर ऑफ द सोल्यूशन, क्या इसमें कोई कलर चेंज हुआ? हाँ, पहले इसमें ब्लू कलर का था, लेकिन अब जब इसमें आयरन की नहीं लिया, हमने कुछ भी ऐड किया सेम ब्लड को, तो वो जाके कलर हो गया, वो ग्रीनी कलर में कन्वर्ट हो गया। तो उसमें एक चेंज आया, वो किस तरह का चेंज होगा? वो हमारा केमिकल चेंज होगा। टेक आउट द नेल एंड द ब्लेड, आपको क्या करना है, फिर वो नेल या जो ब्लेड उसको निकाल देना हैज़ इट द चेंज इन द एनी वे, क्या आपको कुछ चेंज नज़र आया है उसमें, किसमें, जो भी हमने अलग से निकाला। अब आप देख सकते हो कि हमने जो ये इसमें इसने ब्लेड निकाला, तो पहले किस तरह का था दूसरे, लेकिन अब इसके पास एक तरह से क्या हो गया, एक तरह से ब्राउनिश कलर या परत उस पर चढ़ गई। तो क्या इसमें चेंज हुआ? हाँ, इसके भी ब्लेड में भी चेंज आया। फिर इसमें कि द चेंज दैट यू नोटिस आर द ड्यू टू रिएक्शन, जो भी ये चेंज आया है वो किसके कारण आया है? ड्यू टू जो रिएक्शन हुआ है बिटवीन द कॉपर सल्फेट एंड द आयरन। मतलब कहते हैं कि जो भी ये सॉल्यूशन बना हमारा, मतलब एक तो कॉपर सल्फेट का, और इसके साथ आयरन इंक्लूड होगा। आयरन मतलब आयरन का जो हमने ब्लेड डाला था, वो आयरन वो चेंज वो क्या नाम उसमें ऐड हुआ। द चेंज ऑफ द कलर ऑफ द सोल्यूशन फ्रॉम द ब्लू टू द ग्रीन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द आयरन सल्फेट इन न्यू सब्सटेंसेस। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी सोल्यूशन का जो कलर था पहले ब्लू था, और फिर वो ग्रीनी में कन्वर्ट हो गया क्योंकि उसमें एक आयरन और सल्फेट दोनों का ऐड हुआ, कॉपर सल्फेट और प्लस आयरन का, तो एक नया सब्सटेंसेस बना जिसको आयरन सल्फेट बोला गया। तो ब्राउन डिपोजिट ऑफ द आयरन नेल इन द कॉपर, और जो भी आपको जो ब्लेड है कि ब्लेड के ऊपर ये आपको ब्राउनिश ये जो ब्राउन कलर की परत, ये परत चढ़ी है, तो इस ये किस तरह का रिएक्शन है? तो इस पे हमारा एक कोपर, जिसको हम बोलते हैं, इसके ऊपर एक कोपर डिपोजिट, जो ब्राउन कलर का जो चीज़ है ये कोपर बना, इसके ऊपर डिपोजिट हुआ और एक नया सब्सटेंसेस फिर एक कन्वर्ट हो गया। तो इससे क्या होगा कि एक चीज़ बनी, फिर हमने उससे दूसरी चीज़ बनी। इसका मतलब हम पानी में कॉपर सल्फेट डाला, फिर कुछ बूंदे हमने उसमें और उसमें डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला, तो इससे क्या हुआ, एक नया सब्सटेंसेस बना। फिर उसमें फिर हमने एक आयरन नेल वगैरह डाला, फिर उससे नया सब्सटेंसेस बना। तो इससे क्या हुआ कि नई नई चीज़ें बनती रही, तो सारा ये केमिकल चेंजेज हुआ। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का था, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था प्लस आयरन, अब उसमें आयरन मिला जो हमने ब्लेड डाला, ये को नेल डाले, तो ये किस तरह कन्वर्ट होगा? ये होगा हमारा आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। आयरन सल्फेट सॉल्यूशन मतलब इसमें ग्रीन कलर में कन्वर्ट होगा, पहले ब्लू था, भी आयरन के साथ रिएक्शन किया रहे उसके साथ वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया। जब वो इससे बना, मतलब कॉपर सल्फेट प्लस आयरन से बना आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, एक सब्सटेंसेस नया बना, फिर इसके साथ हमने कॉपर मिलाया, तो ब्राउन कलर का जो डिपोजिट होगा उस लेन के, मतलब आप क्या कह सकते हो उसकी ब्लेड के ऊपर, तो उससे एक नया सब्सटेंसेस बना। तो ये आपको समझ में आया भाई, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन को जमा करके क्या बना हमारा, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, क्योंकि आयरन सल्फेट ग्रीन कलर का हुआ और उसके साथ क्या हुआ कि जो भी ब्राउन कलर की परत चढ़ी उसके ऊपर, तो वो कॉपर के में कन्वर्ट हो गया, नया सब्सटेंसेस बना। अब आता है हमारा एक्टिविटी 6.8, टेक द अबाउट द टी आप कहते हो टी स्पून फुल ए विनेगर इन द टेस्ट ट्यूब। आपको क्या करना है, चम्मच पूरी चम्मच, एक चम्मच भरकर सिरका लेना है टेस्ट ट्यूब में, एड द पिंच ऑफ द बेकिंग सोडा इट। आपको जो बेकिंग सोडा होता है, खाने का जो सोडा होता है, उसको एक चुटकी उसमें ऐड करना है। यू फुट द हियर द हिसिंग साउंड एंड सी द बबल्स ऑफ द गैस कम आउट। जब आप उसमें बेकिंग सोडा डालोगे वो विनेगर में, तो आपको एक बुलबुले से नजर आएगा, वो हिसिंग साउंड सा नजर आएगा। तो ये जो इससे क्या होगा, कुछ गैसें निकलेगी। पास दिस द गैस थ्रू फ्रेशली द प्रिपेयर ए द इन लाइम वाटर इज द सोन एज। इसके बाद आपको क्या करना है, जो भी ये बबल्स करके जो गैस निकली, इसको हमें पास करना है लाइम वाटर में, जिस तरह से हमको आप क्या नाम फिगर 6.5 में दी गए हैं। तो व्हाट हैपन टू द लाइम वाटर, लाइम वाटर मतलब चूने का पानी। हमने देखा था कि जो चूना हमने चूने को पानी में मिलाकर हमने कुछ टाइम में रखा था पहले वाले चैप्टर में, फिर हमने इसको जो ऊपर वाला जो पानी था, मतलब जो भी आपको पानी में और मतलब लाइम को चूना मिलाकर जो बनाया था, उसको ऊपर वाला हमने दूसरे कंटेनर में डाला था, दूसरे उसमें टम्बल में डाला था, तो वही हमारा लाइम वाटर बनाया। तो उसी से हम पहले वाले चैप्टर में, तो उससे आपको पता चल गया कि लाइम वाटर क्या होता है। डू यू अब इसमें इसमें आगे दिया है, जो 6 पॉइंट फिगर 6.5 में देखेंगे, और जो हमारे लाइम वाटर उसमें क्या चीज़ आपको
दिखाई देगी, क्या चीज़ में चेंज हुआ दिखाई देगा। तो सबसे पहले इसी को समझ लेते हैं। 6.5, तो सेट द पास द गैस थ्रू लैम वाटर, हमने जो इस तरह से सेट किया ताकि वो गैस जाकर पास हो हमारे लैम वाटर में। तो इसमें सबसे पहले विनेगर और बेकिंग सोडा का सोल्यूशन था, इससे क्या हुआ कि इसमें कुछ बुलबुले उठे और से एक किशिंग साउंड आया, तो वो जो गैस है वो गैस इस तरह निकली, वो कुछ तरह की गैस है, वो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड में और उसके लैम वाटर में जाकर ये हमने इसमें पास किए। अब इसमें क्या घटित होते हैं, क्या चीज़ घटित होते हैं, तो जो गैस निकली वो कार्बन डाइऑक्साइड थी और इसमें क्या है, ये हमारा हमारा लाइम वाटर है। तो अब इसमें देखते हैं कि इसमें किस तरह का रिएक्शन हुआ। तो द चेंज इन द टेस्ट ट्यूब इन द एज फॉलो, कि जो भी चेंज हुआ टेस्ट ट्यूब में, अब उसको देखते हैं कैसे हुआ। विनेगर एसिटिक एसिड बोलते हैं इसमें, जब हम बेकिंग सोडा को ऐड किया तो सोडियम और हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। अब ये क्या बना, मतलब विनेगर और बेकिंग सोडा मिलकर क्या बना, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अदर सब्सटेंसेस बना। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में हुआ, एक दूसरी तरह के और भी दूसरी तरह के सब्सटेंसेस बने। द रिएक्शन बिटवीन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द लाइम वाटर एज फॉलो, अब जो रिएक्शन हुआ हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का लाइम वाटर के साथ, तो किस तरह का चेंज हुआ हम उसको देखते हैं। तो वो किस तरह से हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, जो भी इससे हमारे भाई हमारे बेकिंग सोडा विनेगर था, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू लाइम वाटर में, तो ये लाइम वाटर में इसमें हमने ये पास हुई। अब कार्बन डाइऑक्साइड पर लाइम वाटर जो CaHO2 जो इसको फॉर्मूला, ये किस में बना, कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCHO3 जो इसका फॉर्मूला प्लस वाटर, किस में कन्वर्ट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। इसका मतलब क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर एक सब्सटेंसेस थे और वो मिलकर एक नया सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होगा, जिसे केमिकल चेंज, जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट एंड प्लस वाटर बोलेंगे। तो ये इसमें रिएक्शन था। फिर व्हेन द कार्बन डाइऑक्साइड इज द पास थ्रू द लाइम वाटर, जब कार्बन डाइऑक्साइड पास हुई हमारे लाइम वाटर में चूने वाले पानी में, तो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हुआ, एक नया सब्सटेंसेस, नई वस्तु, नई चीज़ें बनी, तो विच इज़ मेक इन द लाइम वाटर निकली, और उसमें क्या होगा, वो एक तरह से जो लाइम वाटर है मिल्क दूध जैसा बन जाएगा, दूध जैसा मतलब वाइट कलर का मिल जाएगा। द टर्निंग ऑफ द लाइम वाटर इन द मिल्की वे, जब हमारे जो लाइम वाटर जो चूने का पानी है उसमें एक मिल्की में कन्वर्ट हो गया, तो उससे भी एक स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम ये कहते हैं कि भाई मिल्की जो वो किस तरह से बना, किस तरह से फ्रांसिस बना, तो लाइम वाटर का मिल्की वे में चेंज होना ही हमारा एक कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन, ये ही हमारे एक स्टैंडर्ड टेस्ट होता है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। क्योंकि विनेगर को और हमारे बेकिंग सोडा को हमने ऐड करके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस की, उसको लाइम वाटर में कन्वर्ट किया, और उससे जब मिल्की वाला सोल्यूशन बना, तो वो हमारा एक स्टैंडर्ड टेस्ट हुआ। यू विल यूज इट द चैप्टर 10 टू शो दैट इज द एयर विद अ ब्रीथ आउट इन द रीच इन द कार्बन डाइऑक्साइड। चैप्टर 10 में आप पढ़ोगे, देखोगे कि जो भी हम सांस है बाहर को निकालते हैं उससे, तो उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। तो अगले वाले चैप्टर में जैसे जैसे करेंगे तो हमें ज़्यादा ज़्यादा क्लियरिटी फील होगी। अब हमें इन द एक्टिविटी 6.6 एंड 6.8, तो यू सा इन द ईच द चेंज वन एंड द मोर सब्सटेंसेस वाज फॉर्म। 6.6 और 6.8 जो पीछे करके आए हैं, तो इनमें क्या हुआ कि नया सब्सटेंसेस फॉर्म हुआ। इन द 6.6 इधर एस इज द न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, जब हम मैग्नीशियम का मतलब रिबन को जलाया था, तो उसके बाद एसिस में कन्वर्ट हुआ, तो इससे नेट सब्सटेंसेस हुआ। एक्टिविटी 6.7 में क्या हुआ था कि रिएक्शन ऑफ द कॉपर सल्फेट, जब कॉपर सल्फेट को आयरन के साथ हमने उसको कनम मिलाया, उससे क्या हुआ हमारा प्रोड्यूस हुआ आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। ये आपको समझ में होगा जो पीछे वाले एक्टिविटीज हम करके आए हैं। बोथ ऑफ द दीज आर द न्यू सब्सटेंसेस, और इससे दोनों से क्या हुआ हमारा एक नए सब्सटेंसेस बना। कॉपर वाज डिपॉजिट ऑन द सेविंग द ब्लेड ऑफ द आयरन, जो कॉपर है जो भी हमारे सेविंग ब्लेड पे एक ब्राउन कलर की परत चढ़ी थी, तो उसको वो कॉपर की थी, जिसको हम कॉपर की ब्राउन कलर कॉपर वाली परत चढ़ी है, तो वो भी एक नए सब्सटेंसेस में फॉर्म हुआ, नए सब्सटेंसेस उसमें बनाया। तो ये भी हमारा एक तरह से हमारा केमिकल चेंज हुआ। इन एक्टिविटी 6.8 विनेगर प्लस बेकिंग सोडा, हमने विनेगर और बेकिंग सोडा टुगेदर प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, जब हमने विनेगर और बेकिंग सोडा को मिलाया तो उसके रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई, और फिर वो एक लाइम वाटर में मिला जाके, और वो किस तरह का कलर में चेंज हो, एक मिल्की वे में या एक दूध वाले उसमें कलर में चेंज हुआ, वाइट कलर के चेंज हुआ। कैन यू नेम इन द न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म दिस रिएक्शन, क्या आप एक नया सब्सटेंसेस
कैन यू नेम द न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म इन दिस रिएक्शन, क्या आप एक नया सब्सटेंसेस बता सकते हो इसके रिएक्शन से? तो हाँ, इसके रिएक्शन से एक नया सब्सटेंसेस बना जो इसके मिल्की से, तो वो आप किस तरह से कहेंगे? तो ये जो ये वाला एक तो कार्बन डाइऑक्साइड का सोल्यूशन था, और ये किसका बना? अब ये मिल्की का बना, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस किसका बना? मिल्की, तो एक नया सब्सटेंसेस के रूप में वो कन्वर्ट हुआ। फिर इसमें आते हैं हम, ए चेंज इन द दिस, जो भी बदलाव होता है एक एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस का, उसी को हम क्या बनाते हैं? वो केमिकल चेंजेस बनाते हैं। मतलब कहता है कि एक चेंज हुआ उससे दो या चार सब्सटेंसेस बना, तो उसी को हम केमिकल चेंज कहेंगे। केमिकल चेंज इज द आल्सो कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, इस केमिकल चेंजेस को हम केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। तो विनेगर और आप कह सकते हो बेकिंग सोडा, जब इसको मिला तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई, एक नया सब्सटेंसेस बना, फिर इस सब्सटेंसेस को हमने क्या कि लैंग वाटर में कन्वर्ट किया, तो वो मिल्की में कन्वर्ट हो गया। तो एक सब्सटेंसेस से फिर नया सब्सटेंसेस, फिर नया सब्सटेंसेस, दैट इज ए कॉल्ड द केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज आर द वेरी इंपॉर्टेंट इन आर लाइफ, केमिकल चेंज काफ़ी महत्वपूर्ण होता है हमारे जीवन के लिए। ऑल द न्यू सब्सटेंसेस आर द फॉर्म, जो भी नए नए सब्सटेंसेस बनते हैं उसका एक परिणाम होता है केमिकल रिएक्शन का। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए मेटल इज टू बी द रिजेक्टेड फॉर्म द ऑयल, जब भी हम जो मेटल रिजेक्टेड मतलब बाहर निकालते हैं उसकी खान से और से, तो सच द आयरन फॉर्म द आयरन ऑयल, तो आयरन ऑयल से आयरन की लोहे की खान से हमें लोहा मिला। विच कैन बी द कैरी आउट द सीरीज अब द सीरीज ऑफ द केमिकल चेंजेस, इसलिए हमें जरूरत होगी, आवश्यकता है कि ताकि हम इसमें कुछ केमिकल चेंज को लाए, उसको यूजफुल फॉर्म में लाए। क्योंकि जो आयरन ओर से जो भी निकलेगा आप कहते हैं कोयला, तो वो तो उस तरह से हम यूज नहीं कर सकते, हमने उसको चेंज किया आयरन में चेंज किया, तो नया सब्सटेंसेस बना, दिस इज ए कॉल्ड द केमिकल चेंजेस, को इससे नए चीज़ें बनकर सामने आए। फिर हमारा ये मेडिसिन इन द एंड द एंड ए प्रोडक्ट ऑफ द चैन ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो मेडिसिन होती है दवाई होती है वो भी बहुत सारे प्रोडक्ट की मतलब एक चैन होती है, एक श्रृंखला होती है, उसके बाद केमिकल रिएक्शन करके हमें मेडिकल प्रोवाइड होती है, तो उसमें भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। यूजफुल न्यू मटेरियल, जब हम यूज करते हैं कोई भी नया मटेरियल, जैसे हमारा प्लास्टिक हुई है डिटर्जेंट, अब ये डिटर्जेंट मतलब जो भी हमारा सर्फ होता है आर प्रोड्यूस बाय द केमिकल रिएक्शन, ये सभी एक तरह से केमिकल रिएक्शन होता है, क्योंकि इन सबसे एक नई चीज़ें बनकर सामने आए। इंडीड द एवरी द न्यू द मेटेरियल इज द डिस्कवर्ड बाई द स्टडिंग द केमिकल रिएक्शन, और हम क्या कर सकते हैं, सचमुच हम एक नया जो मेटेरियल खोज कर सकते हैं जब हम केमिकल चेंजेस के बारे में काफ़ी अध्ययन करते हैं। तो आगे देखते हैं हम किस तरह से, कि वी हैव द सीन द वन द मोर द न्यू सब्सटेंसेस आर द प्रोड्यूस इन द केमिकल चेंज, हमने देख अब हम देख सकते हैं, हमने देखा है कि एक या एक से ज़्यादा जो वस्तुएं होती है जब प्रोड्यूस हो जाती है तो उसके बाद एक केमिकल चेंज आते हैं, दैट इज द न्यू प्रोडक्ट, और जब हम नया चेंज होता तो इसके साथ साथ दूसरे नया भी चेंजेस, नया भी प्रोडक्ट हमें मिलता है। द फ्लोइंग में एकम्पनी केमिकल चेंजेस, और जो भी हमारा चेंजेस हो रहा है उसके साथ और भी दूसरी तरह के भी एक रिएक्शन होते हैं, दूसरी तरह के भी चेंजेस होते हैं, जैसे आप कह सकते हो हीट, गर्मी, लाइट, बिजली एंड अदर रिएक्शन, जो अल्ट्रावायलेट फॉर एग्जांपल मे बी आर ऑन ऑफ। इससे क्या होता है कि जब भी कोई केमिकल चेंजेस होता है कि या तो उसमें जो हीट है वही गर्मी निकलेगी, लाइट निकलेगी, या दूसरी तरह की रेडिएशन अल्ट्रावायलेट्स लगेंगे, कभी तो उससे क्या हो कि नई नई चीज़ें निकलेगी, जैसे हमारा कि मैग्नीशियम रिबन को हम जलाया तो उससे क्या चला, एक ऑक्सीजन मिली, हीट निकली थी वो भाई, हीट निकली, लाइट निकली उसमें से। और कभी कभी क्या होता है कि जो हीट और जो लाइट होती है वो बिल्कुल क्या हो जाती है, उसमें से ख़त्म हो जाते हैं, उसको चीज़ें में एब्जॉर्ब कर लेती है जब नया केमिकल चेंजेस होता है। साउंड में भी प्रोड्यूस, वो साउंड प्रोड्यूस होता है जब हमने बेकिंग विनेगर को मिलाया तो उससे हिसिंग साउंड आया, तो उससे साउंड भी हो जब केमिकल रिएक्शन होता है। अब आया हमारे इसमें ए चेंज इज द स्मेल में भी टेक प्लेस, और एक बदलाव आता है स्मेल में जब हम कोई केमिकल चेंज करते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एक न्यू स्मेल में भी द गिवन ऑफ, या एक नई स्मेल उसमें वो छोड़ देता है जब भी कोई केमिकल जो रिएक्शन होता है। सपोज करो कि हमने आप कह सकते हो कि हमने धूपबत्ती जलाया, तो धूपबत्ती के बाद में क्या हुआ कि जैसे वो जली तो जल जल के क्या हुआ कि उसको एक स्मेल के रूप में, गैसेस के रूप में कन्वर्ट होकर जो एक काफ़ी प्रेजेंट हमें उसकी सुगंध प्राप्त हुई, और उसके बाद क्या हुआ कि एसिड, और दूसरा क्या चेंज हुआ कि हमारा धूपबत्ती किस में चेंज हुआ, गैस में और हमारे एसिड में। फिर हमारे इसमें आया कि एक कलर द चेंज द मे टेक प्लेस, और इससे क्या होगा कि जो कलर भी बदलाव आता है, जैसे हमने बेकिंग सोडा विनेगर
को जब हमने ऐड किया तो एक जो उसमें जो गैस निकली मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से बना, तो उसको हम लाइम वाटर में हम उसको रिएक्शन देगा, तो उसके बाद वो मिल्की वे में कन्वर्ट हुआ, तो उससे नए सब्सटेंस मिला। और जब हमने उसको एक किसी कॉपर के कॉन्टेक्ट में लाई, या हम किसी आयरन नेल्स या आप कह सकते हो उसमें, जब भी हमने एक ब्लेड स्विमिंग ब्लेड को उसमें डाला, तो उसके बाद क्या हुआ, उस पर एक ब्राउन कलर की क्या चढ़ गई थी, एक परत चढ़ गई थी जो कॉपर के, उससे नए सब्सटेंस से बाद उससे क्या होगी, कलर चेंजेस हुआ है। एक गैस में भी तो फॉर्म्स, उससे क्या होगी, गैस गैस भी उससे प्रोड्यूस हो रही है, मतलब गैस भी वो बन रही है। जैसे हम दो बत्ती से क्या किया था, उससे उसमें कुछ गैसेस में वो कन्वर्ट हुआ। लेट अस लुक एट द सम एग्जाम्पल, हमने देखे कुछ एग्जाम्पल। फिर यू सा दैट इन द बर्निंग ऑफ द मैग्नीशियम द रिबन इन द केमिकल चेंजेस। अभी आपने देखा कि जो भी हमने मैग्नीशियम को रिबन जलाया था, उसके बाद क्या हुआ, एक लाइट ही लाइट प्रोड्यूस हीट प्रोड्यूस हुई, तो उसके बाद कुछ एसिड्स मिले, तो इससे क्या हो गया, वो भी केमिकल चेंजेस हुआ, एक नया सब्सटेंसेस नई वस्तु बनी। बर्निंग ऑफ द कोयल, जब कोयल द वुड एंड द लीव्स इन आल्सो द केमिकल चेंजेस, जब वो जलता है हमारा कोयला या हमारी लकड़ी या पत्ते, तो उसे भी केमिकल चेंजेस कहेंगे, क्योंकि उसके बाद हम उसको उसी फॉर्म में दोबारा कन्वर्ट नहीं कर सकते। इन द फैक्ट बर्निंग ऑफ द एनी सब्सटेंसेस केमिकल चेंजेस, इसका मतलब कह सकते हैं कि जो भी जलना होता है किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज़ का, ही केमिकल चेंजेस होता है। बर्निंग द ऑलवेज एकम्पेन बाय द प्रोड्यूस प्रोडक्शन ऑफ द आईटी, कहते हैं कि बर्निंग सदा क्या होता है कि वो हमेशा कोई भी सब्सटेंसेस में हीट को प्रोवाइड करता है, हीट प्रोडक्शन करता है। अब एक्सप्लोशन ऑफ द फायरवर्क, जब भी हम पटाखों का फटना, ये केमिकल चेंजेज है, यू नो दैट द सच एज द एक्सप्लोशन द प्रोड्यूस द हीट द लाइट एंड द साउंड एंड द प्रेजेंट द गैसेस दैट इज द पोल्यूटेड द एनवायरमेंट, मतलब एटमोसफेयर। कहते हैं कि हम जानते हैं कि जब भी कोई भी मतलब पटाखे का फटना होता है, तो वो हमें एक हीट देता है, गर्मी देता है, लाइट देता है, प्रकाश देता है, और कुछ साउंड करता है जब फटता है, तो एकदम धड़ाके धड़ाम की आवाज़ आएगी। तो उसके बाद एक अनप्लीजेंट जो हमें मतलब जो हमें जो गैसेस होते हैं जो का हमें घुटन फील करती है, तो वो भी प्रोड्यूस करती है और हमारे एटमोसफेयर को बिल्कुल ही पोल्यूटेड कर देती है, गंदा कर देती है। दिस इज़ वाई यू आर द एडवाइस नॉट टू प्ले विद द फायरवर्क, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप उन पटाखों के साथ मत खेलो। वैन द फूड गेट द एक्सपोल्ट्री, जब आपका जो खाना ख़राब हो जाता है, तो इट प्रोड्यूस ए फाउल द स्मेल, वो एक ये कहते हैं गंद, एक एक मतलब आपकी गंदी सी गंद वो छोड़ देता है। सेल वी कॉल द दिस चेंजेस केमिकल चेंजेस, क्या आप उसको केमिकल चेंज कहेंगे? हाँ, वो केमिकल चेंजेस होगा, क्योंकि वो खाना दूसरे सब्सटेंसेस में बन गया। यू मस्ट हैव इन द नोटिस दैट इज द स्लाइस ऑफ द एन एप्पल, आपने नोटिस किया होगा कि जब भी एक एप्पल की जो फाक होता है, पार्ट होता है, तो वो एक ब्राउन कलर में चेंज होता है, यदि हमने उसको कंज्यूम नहीं किया इमिडिएटली, यदि हम उसको नॉट कंज्यूम इमिडिएटली एकदम नहीं कर पाते, कुछ टाइम के बाद वो कलर रूप धारण कर लेता है। इफ़ यू हैव द नॉट सीन दी चेंजेस इन द कलर, यदि आपने इस तरह का कलर चेंज होते नहीं देखा, तो कटे द फ्रेश स्लाइस ऑफ द एप्पल, मतलब सेव की आप एक स्लाइस एक फाक को काटे, और कीप इट द अवे फ्रॉम द सम टाइम, कुछ टाइम के लिए उसको रख दे साइड। रिपीट इन द सेम एक्टिविटी विज द स्लाइस ऑफ द पोटैटो एंड ब्रिंजल, और इसी तरह की एक्टिविटीज आप करें, जो भी स्लाइस फाक है पोटैटो की या फिर आप बैंगन की, तो उसमें भी होगा कुछ टाइम के बाद वो भी एक रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। द चेंज ऑफ द कलर इन द दीज द केसेज द ड्यू टू फॉर्मेशन न्यू सब्सटेंसेस, अभी जो बदलाव है कलर में किसके कारण आया है, जब हम एक नई वस्तु बनी, नया चीज़ बनी, इससे क्या होता है कि जो हमारे ब्रिंजल होता है या फिर हमारा आप कहते हैं पोटैटो, इसमें एंजाइम्स होते हैं, जब वो ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आता है, तो वो कहीं ना सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हो जाता है, तो इसलिए वो केमिकल चेंजेज आर नोट द दीज द चेंजेस आर केमिकल चेंजेस, क्या ये केमिकल चेंजेस नहीं है? यस, दिस इज ए केमिकल चेंजेज, इसको हम केमिकल चेंजेज ही कहेंगे। केमिकल चेंजेस होते हैं क्योंकि हमारे जो एप्पल्स होता है या फिर इसमें पोटैटो वगैरह में, तो एक एंजाइम्स होता है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और एक नए सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं, तो इसलिए ये केमिकल चेंज होता है। फिर हमारे चैप्टर 5 में यू ए न्यूट्रलाइज एंड द एसिड्स विद द बेस, जब हम न्यूट्रलाइज हो गया था, जब एक एसिड और बेस को हमने दोनों को मिलाया, तो इससे क्या हो कि दोनों ने अपना अपना कलर, अपना अपना रिएक्शन छोड़ दिया था, और एक न्यूट्रल मतलब जिसमें कोई भी कलर नहीं होता, तो उसमें कन्वर्ट हो गया। इज ए नेचुरलाइजेशन ए केमिकल चेंजेस, क्या हुआ कनेक्ट नेचुरल केमिकल चेंजेस था, तो हाँ भाई केमिकल चेंजेस हो गया कि जो भी एसिड और बेस का दोनों ही कलर उसमें चेंज हो गया। अब हमारा इसमें ये प्रोटेक्ट द सील्ड, तो हमारी रक्षा करती है, हमारा कवच है, तो यू मस्ट हैव द हीयर ऑफ द ए ओजोन द लेयर्स इन द आयरन और एटमोसफेयर, आपने सुना ही होगा कि ओजोन जो लेयर्स होती है हमारे एटमोसफेयर में, इट प्रोटेक्ट अस द फ्रॉम द आर्मफुल अल्ट्रावायलेट द रेडिएशंस विच कम फ्रॉम द सन, वो क्या करती है कि हमारी रक्षा करती है, जो भी आर्मफुल
जो आप कह सकते हो कि जो भी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आती है वो उससे जो सन से तो उससे हमारी रक्षा करती है, ओजोन एब्जॉर्ब करती है रेडिएशन। ओजोन क्या होती है, वो इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है। यदि ये मतलब आप कह सकते हो कि जो अल्ट्रा वायलेट सी जो रेडिएशन होते हैं यदि हम सीधे वो हमारी स्किन को टच करे तो उसे काफ़ी में डैमेजेस हो जाएगा, तो इसलिए वो पहले ऑब्जर्व कर लेती है एंड द ब्रेक इनटू ऑक्सीजन और फिर इसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देती है। ऑक्सीजन द डिफरेंट फ्रॉम ओजोन, जो ऑक्सीजन है वो अलग है कि जो भी मतलब जो भी ओजोन से हमें मिलेगी ऑक्सीजन वो अलग होती है। तो कैन वी कॉल द ब्रेकिंग डाउन ऑन द ओजोन ए केमिकल चेंजेस, क्या जो ओजोन है जो मतलब क्या नाम उसमें उसको ऑक्सीजन के में कन्वर्ट हुई, क्या वो एक केमिकल चेंजेज है? हाँ, कि जो भी हमारी सबसे पहले क्या रहती है वायलेट रेडिएशन आ रही थी सन से, तो ओजोन ने इसको एब्जॉर्ब करके नए सब्सटेंस में कन्वर्ट किया ऑक्सीजन में, तो दैट इज ए केमिकल चेंजेस। तो ये भी एक केमिकल चेंजेज है हमारे। फिर इफ द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन वर नॉट एब्जॉर्ब बाई द ओजोन, यदि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन हमारी एब्जॉर्ब ना करें ओजोन, तो इट वुड द रिएक्ट द अर्थ सरफेस एंड द कॉज हार्म टू अस द अदर द लाइफ। इससे क्या हो जाएगा कि वो जो यदि वो करें तो वो सीधे ही हमारे किस में आएगा, हमारे अर्थ के सरफेस पर आएगी और उससे काफ़ी नुकसान हो जाएगा जो भी हमारी मतलब ह्यूमन और दूसरी तरह की लाइफ होती है। तो ओजोन एक्ट एज द नेचुरल शील्ड द अगेंस्ट द रेडिएशन, जो ये क्या होता है कि हमारे सुरक्षा कवच होते हैं जो भी इस रेडिएशन के विरुद्ध। अब इसमें है कि वी लर्न इन द चैप्टर वन, ये जो वो जो है प्लांट प्रोड्यूस देयर इज द फूड बाय प्रोसेस आर्क ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये बूझो कह रहा है कि भाई आप चैप्टर वन में हमने पढ़ा था कि जो प्लांट है प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे खाने को प्रोड्यूस कर रहे हैं और किसके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। कैन वी कॉल द फोटोसिंथेसिस केमिकल चेंज, क्या एक आप फोटोसिंथेसिस बोलोगे इस फोटोसिंथेसिस को, क्या आप केमिकल चेंज बोलोगे? हाँ बोलेंगे। तो पहली कहती है कि इवन द ए डाइजेशन इज द, क्या डाइजेशन भी केमिकल चेंज है? तो डाइजेशन भी एक केमिकल चेंजेज है। अब फोटोसिंथेसिस क्यों है केमिकल चेंजेज? भाई जो वो क्या होते हैं जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सन है वही सन की रोशनी लेंगे, फिर मिनरल्स लेंगे, वो नाइट्रोजन लेंगे, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे एनवायरनमेंट से, इन सबको बनाकर वो क्या अपने खाने को बनाते थे। तो वो दो तरह से अब प्रोड्यूस होते हैं, कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे क्या बना, इन चीज़ों को लिया तो स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट में नए सब्सटेंस बना, तो ये क्या कि हमारा ये भी एक नया सब्सटेंसेस हुआ, तो ये भी केमिकल चेंज हुआ। फिर हमारे जब डाइजेशन हम खाने को खाते हैं या पचाते हैं तो उससे एक नया जूस आप कहते हैं प्रोड्यूस होता है, तो वो भी एक केमिकल चेंजेस होता है। फिर हमारे में रस्टिंग ऑफ द आयरन, जो भी हमारा जंग लगना आयरन पर वो क्या होता है, लेट अस गेट द बैक ऑफ द रस्टिंग, चलो हम दोबारा चलते हैं रस्टिंग पर, दिस इज वन द चेंजेस दैट अफेक्ट आयरन आर्टिकल्स। भाई अब जो अफेक्ट होता है ये जो अफेक्ट होता है मतलब ख़राब करता है आयरन को, और इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव। तो दो चीज़ें भी, इफेक्ट मतलब किसी चीज़ का प्रभाव, उसमें नुकसान नहीं होता, लेकिन अफेक्ट बोलेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, वो नुकसान वाली कंडीशन है। तो यही होता है कि जो चेंजेस होता है ये अफेक्ट करता है जो भी हमारे आयरन से बने आर्टिकल्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, एंड द स्लोली द डिस्ट्रॉयड है, हम उसको बिल्कुल ही नष्ट कर देती है धीरे धीरे। सिंस द आयरन इज़ द यूज इन मेकिंग ब्रिज, क्योंकि आपने देखा कि जो पहले से काफ़ी में क्या होता है आयरन होता है, कोयला होता है, वो काफ़ी यूज़ हो रहा है ब्रिजों को, पुलों को बनाने में, शिप को बनाने में, जहाज़ों को बनाने में, कार को एंड ट्रक को एंड द बॉडीज एंड द मैनी अदर दूसरे तरह के आर्टिकल्स में। द मॉनेटरी जो लॉस होता है ड्यू टू रस्टिंग इन द यूज़, मतलब क्या होता है कि इससे क्या होता है कि बहुत सारा जो पैसा होता है वो ख़राब होता है, क्योंकि बड़ी मात्रा में जो रस्टिंग होता है, काफ़ी मात्रा में रस्टिंग होता है, उससे काफ़ी हमें पैसा ख़राब होता है। द प्रोसेस ऑफ द रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई द फॉलोइंग इक्वेशन, जो भी प्रोसेस है हमारी रस्टिंग जंग लगने की उसको हम इस तरह की इक्वेशन से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे हमारा आयरन आयरन जिसका हमारा फार्मूला है Fe प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो भी एयर से हमें मिलेगी, तो जो ऑक्सीजन हमें किससे मिलेगी, हमें एयर से मिलेगी, और प्लस वाटर H2O, तो ये क्या होगा ऑक्सीजन हमें वाटर से, क्योंकि पानी में जो गुली होती है उससे ऑक्सीजन मिलेगी, या हमें हवा में मिलेगी, हवा जो वाटर वेपर्स होते हैं उससे भी हमें ऑक्सीजन मिलेगी अंदर रस्ट, और उससे क्या बन जाएगा रस्ट, और इसका जो फॉर्मूला है इसको बन जाएगा आयरन ऑक्साइड मतलब Fe2O3। मतलब इसका कह रहा है भाई ये आयरन है Fe, इससे क्या मिला ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मिला, और तो इससे क्या होगा हमारा रस्ट हुआ, और जो रस्ट का हमारे केमिकल फॉर्मूला है तो इसको बोलते हैं आयरन ऑक्साइड। तो किसमें आयरन ऑक्साइड में मिला, तो इससे क्या बनेगा Fe2O3।
और ओ थ्री, मतलब एफ ई प्लस ओ थ्री ओ टू मिलकर क्या बना, एफ ई टू ओ थ्री। तो ये इसका फार्मूला है। फिर फोर द रस्टिंग द प्रेजेंट ऑफ द बोथ ऑक्सीजन, जो भी हमारा रस्टिंग है वो हमारा ऑक्सीजन और वाटर, वाटर तो है ही, मतलब रस्टिंग का मतलब क्या होता है कि किसकी, ऑक्सीजन वाटर की उपस्थिति में हमें लगेगा। और वाटर में क्या होता है कि हवा से उस ऑक्सीजन वाटर वेपर, जो पानी की जो बूंदें होती है, जो भाप होती है, वो भी तो पानी होता है, तो वो भी उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है रस्ट लगने के लिए, कौन, ऑक्सीजन और वाटर। फिर हमारा इन द फैक्ट, आप कह सकते हैं इन द फैक्ट इफ द कंटेंट ऑफ द मॉइस्चर इन द एयर इन द हाई, आप कहते हैं कि यदि कोई भी किसी भी मॉइस्चर में, मतलब कहते हैं हवा में ज़्यादा मॉइस्चर है, नमी है तो काफ़ी हाई है, तो विच मीन्स इफ इट इज़ द मोर द ह्यूमिड एंड द रस्टिंग बिकम द फास्टर, इससे क्या होगा काफ़ी, आप कह सकते हो इसका मतलब कहते हैं काफ़ी हमें ह्यूमिडिटी है, काफ़ी नरम मौसम है, काफ़ी और कह सकते हो इससे क्या होगा काफ़ी रस्टिंग क्या होती है काफ़ी तेज़ हो जाती है, क्योंकि उसमें वाटर और ऑक्सीजन दोनों को ही मिलती है रिएक्ट करने के लिए आयरन के साथ और आयरन ऑक्साइड को बनाने के लिए। अब हमारा है कि सो द हाउ डू यू द प्रिवेंट रस्टिंग, हम किस तरह से रोक सकते हैं इसको रस्टिंग को, तो प्रिवेंट आयरन आर्टिकल फ्रॉम द कमिंग इन द कॉन्टैक्ट विद द ऑक्सीजन, तो हमें रोकना है जो भी आयरन के बने, जो लोहे के बने, जो भी चीज़ें होती है, ताकि वो ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में ना आए और ना पानी के कॉन्टैक्ट में आए, किस संबंध में ना, संपर्क में ना आए, एंड तो बहुत दोनों ही। वन द सिंपल द वे टू इज टू अप्लाई द कोयल कोट ऑफ द पेंट ऑफ द ग्रीस, इसके लिए दूसरा तरीका है कि हम उसके ऊपर जो भी चीज़ें हैं उस पर कोट लगा दें, एक परत चढ़ा दें, किसकी, ग्रीस की या पेंट की। इन द फैक्ट दैट दिस द कोट शुड बी अप्लाई द रेगुलरली, तो इसके लिए आपको क्या करना कि बार बार आपको वो उसके लिए एक परत चढ़ानी पड़ेगी रस्टिंग के लिए, तभी वो होगा कि कुछ टाइम के बाद क्या हो जाती है वो अनअफेक्टेड हो जाते हैं जो भी पेंट्स वगैरह होते हैं, तो बार बार आपको करना पड़ेगा। अनदर वे इज़ द डिपॉजिट द लेयर ऑफ द मेटल, या आपको क्या करना है कि दूसरा एक तरीका होता है कि आप एक लेयर चढ़ा दें मेटल की, जिसके हम क्रोमियम या हम जिंक ऑन द आयरन बोलते हैं, तो उसकी परत को भी चढ़ा दें, तब भी हम रस्टिंग को रोक सकते हैं। फिर हमारा दिस प्रोसेस डिपॉजिट द लेयर ऑफ द जिंक, जो भी प्रक्रिया होती है, जो भी हम लेयर चढ़ाते हैं जिंक की ऑन पर आयरन पर, तो उसको उसको बोलते हैं गैल्विनाइजेशन, क्या बोलते हैं उसको, गैल्विनाइजेशन। द आयरन द पाइप्स वी यूज इन द आर्म, जो भी हम लोहे के जो पाइप यूज़ करते हैं अपने घरों में, तो टू कैरी द वाटर, पानी को लाने के लिए आर द ए गैल्विनाइज टू प्रिवेंट रस्टिंग, उनको गैल्विनाइज किया जाता है, उन पर पेंट चढ़ाया जाता है, पिगिस लगाई जाती है, तो जिससे हम रस्टिंग को रोक सकते हैं। यू नो दैट द शिप्स आर द मेड ऑफ द आयरन, जो शिप्स होते हैं, जो जहाज होते हैं, वो आयरन के बने होते हैं, और जब पार्ट ऑफ द डैम द रिमेनिंग अंडर द वाटर, और कुछ जो पानी जो पार्ट होता है उसका सिप का, वो किस में होता है कि पानी के अंदर होता है, ऑन द पार्ट अबव द वाटर, वो एक पार्ट उसका पानी के ऊपर होता है। वाटर ड्रॉप द कीप द ए क्लिजिंग इन द सिप आउटर द सरफेस, और कुछ जो पानी की जो क्लिजिंग का मतलब क्या होता है, पानी की बूंदें भी चिपकी होती हैं जो भी हमारे जो वाटर के ऊपर जो सिप का पार्ट होता है उसके ऊपर। मोर ओवर द वाटर ऑफ द सी द कंटेन द मैनी साल्ट्स, कि इसके साथ साथ जो पानी होता है समुद्र का, तो उसमें काफ़ी नमक होता है, एंड द साल्ट अंडर जो साल्ट होता है वाटर का मेट मेक द प्रोसेस ऑफ द रस्ट फॉर्मेशन फास्टर, इससे जो नमकीन जो पानी होगा वो ज़्यादा मतलब उससे क्या होगा कि रस्टिंग की जो लगने की जो क्षमता है काफ़ी तेज हो जाएगी। देयर फॉर द सिप सफर ए लोट ऑफ द डैमेज, इसलिए जो सिप होता है काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है उनका रस्टिंग के कारण, और क्योंकि इंस्पाइटेड ऑफ द क्या होगा, इंस्पाइटेड ऑफ द पेटेंट, उसके मतलब पेंट के होने के बावजूद भी काफ़ी नुकसान होता है। सो मच सो दे आर द इन द फ्रैक्शन ऑफ द सिप आयरन द हैज टू बी द रिप्लेस एवरी ईयर, इसलिए हर साल क्या होता है कि जो भी हमारा मतलब इसके सिप के जो पार्ट्स होते हैं उनको बदला जाता है हर साल। कैन यू इमेजिन द ए मॉनिटरी द लॉस ऑफ द वर्ल्ड, क्या आप जान सकते हो कि कितना नुकसान होता होगा हमारे वर्ल्ड में, हमारे संसार में, क्योंकि इससे काफ़ी महंगे होते हैं और उसको हर साल ही के पार्ट को चेंज करना होता है, तो इससे मॉनिटरी काफ़ी लॉसेस होता है। फिर हमारा इसमें स्टेनलेस स्टील इज द मेड, जो स्टेनलेस स्टील होता है तो किसका बना होता है, हमारा आयरन का, आयरन विद कार्बन एंड द मेटल, तो आयरन के स्टेनलेस स्टील बनी होती है हमारे आयरन और कार्बन और मेटल की बनी होती है, और मेटल किस तरह की होती है, जिसमें क्रोमियम निकल और मैग्नीशियम। यदि आपको एक क्वेश्चन पूछे कि स्टेनलेस स्टील में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, तो क्या होती है हमारी इसमें, तो कार्बन, आप कहते हैं कार्बन, और इसमें मेटल में आता क्रोमियम निकल और मैग्नीशियम। इट इज डज नॉट
रस्ट, इसमें क्या होते हैं रस्ट जंग नहीं लगता जो स्टेनलेस स्टील्स होती है। अब हमारा इसमें आया है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, इन द क्लास सिक्स यू मे हैव द लर्न दैट इज द साल्ट कैन बी द ओबटेंड बाय द एवपोरेशन बाय द सी वाटर। हमने देखा कि क्लास सिक्स में जो पानी को हमने और नमक को ओबटेंड कर लिया था कि जो भी मतलब जो समुद्र से जो वाटर निकला था उसको भाप बना के कि हमने क्या किया कि उसके जो किनारों पे गड्ढों में जो पानी है सीप का उसको हमने उसमें फैला दिया था। फिर कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि उसमें से जो पानी है वो एपोरेट करके वो सन की रेस में जाके उड़ गया, तो हमें नमक मिल गया था। तो हमने वो देखा था द साल्ट ओबटेंड, जो भी साल्ट है तो ओबटेंड हमें मिला है इन द मैनर इट इज नो प्योर। जो भी हमें नमक मिला है समुद्र से वो प्योर नहीं होता जो हम आजकल यूज़ करते हैं। इट इज़ ए क्रिस्टल आर द स्मॉल, उसमें क्या होता है कि छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, थोड़े थोड़े कण से टाइप में होते हैं। द शेप ऑफ द क्रिस्टल कैन नॉट बी सीन क्लियरली, लेकिन हमें जो शेप होती है उसकी ठीक तरह से हमें उसका साइज नहीं पता होता किस टाइप की होती है। हाउएवर द लार्ज क्रिस्टल ऑफ द प्योर सब्सटेंसेस, यद्यपि जो बड़े बड़े जो क्रिस्टल होते हैं उन्हें वो प्योर सब्सटेंसेस के मतलब जो उसको प्योर कर लें, मतलब जो हमने साल्ट मतलब प्योर नहीं अनप्योर होता है, लेकिन जब उसको प्योर करा उसके जो बड़े बड़े क्रिस्टल होंगे कैन बी फ्रॉम, हमने उसको बनाया फ्रॉम देयर सोल्यूशन, उनके सोल्यूशन से हम उसको बनाया, किससे प्योर सोल्यूशन से उसको बनाया। द प्रोसेस कॉल्ड द क्रिस्टलाइजेशन, उसी प्रक्रिया में क्रिस्टलाइजेशन कहेंगे। तो इट इज़ ए केमिकल, इट इज़ ए फिजिकल चेंज। ये किस तरह का चेंज हो, फिजिकल चेंज क्यों है, फिजिकल चेंज क्योंकि हमने नमक है, नमक तो है, नमक तो मिला है, लेकिन उससे हमने क्या कैसी उसको हमने अनप्योर से उसको प्योर में कन्वर्ट किया, तो है तो नमक ही, उसमें कोई ना सब्सटेंसेस ही बना, वो सब्सटेंसेस सेम ही था, तो इसीलिए वो क्या हुआ एक हमारा फिजिकल चेंज हुआ। अब आपको समझ में आ गया भी जो जो हमारे बड़े बड़े जो क्रिस्टल थे प्योर के हमने अनप्योर सोल्यूशन उसको बनाया, तो उसी को हम क्रिस्टलाइजेशन बोलेंगे। वैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि एक्टिविटी 6.9 क्या है, टू बी परफॉर्म इन द प्रेजेंट ऑफ टीचर, आपको ये किसकी टीचर की प्रेजेंसी में ही करना है। पोजन यूज ओनली द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, आपको इसमें सल्फ्यूरिक एसिड को ही यूज़ करना है। बी केयरफुल बाय द बॉइलिंग वाटर, आपको काफ़ी ध्यान रखना है जब पानी उबल रहा होता है। टेक इट द कप ऑफ द वाटर, आपको एक लेना है इन द बीकर, मतलब एक पोल भर के कप का पानी लेना है और उसको बीकर में डालना है, उसमें कुछ फ्यू ड्रॉप डालनी है डायलिटिक सल्फ्यूरिक एसिड की। हीट द वाटर, आपको पानी को गर्म करना है। वैन इट इज स्टार्ट बॉइलिंग, जब वो आप स्टार्ट हो जाए बॉल स्टार्ट हो जाए तो आपको उसमें ऐड कर देना है कॉपर सल्फेट पाउडर का स्लोली धीरे धीरे, वाइल द स्टरिंग द कंटिन्यूसलो धीरे धीरे उसको हिला कर रखना है। कंटिन्यूस एडिटिंग द कॉपर सल्फेट, आपको जैसे 6.6 में देखते हैं इसमें दिखाया कि इसने इसमें लिया ये लिया, इसमें पानी लिया, इसमें कॉपर सल्फेट डाला। अब इसमें क्या क्या है कि इसने डालते रहे इसमें कॉपर सल्फेट जब तक ये पूरा ना भर जाए, मतलब जब इतना भरा है जब तक कि इसकी कैपेसिटी ही बिल्कुल ख़त्म है कि उसमें ऐड ही ना हो उसकी, लास्ट टाइम तक लगातार करते रहना। अब हम इसमें कहते हैं कंटिन्यूस द एडिटिंग द कॉपर सल्फेट पाउडर टिल द नो मोर द पाउडर कैन बी डिजोल्व, तो हमें क्या करना है उस बॉयल जो पानी हम बॉयल हो रहा उसमें इतना हमने कॉपर सल्फेट मिलाया पाउडर मिला ताकि उसके बाद उसमें और मिलाने की जरूरत ही ना बचे, उसमें डिजोल्व ना उस लेवल तक हम उसको पहुँचाना है। फिल्टर द सोल्यूशन, फिर हमने उस सोल्यूशन को फिल्टर करना है अलाउ इन द कूल, और हमें क्या करना है उसको कुछ टाइम के लिए ठंडा होने तक रखना है। डू नॉट डिस्टर्ब द सोल्यूशन व्हेन इट इज़ कूलिंग, आपको उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करने, नहीं छेड़छाड़ करनी तब तक कि वो ठंडा ना हो जाए। लुक एट द सोल्यूशन आफ्टर सम टाइम, उसके बाद आपको कुछ समय के बाद उसको देखना है सोल्यूशन को। कैन यू सी द क्रिस्टल्स ऑफ द कॉपर सल्फेट, क्या आप देख सकते हो कि छोटे छोटे जो आपको क्रिस्टल दिखाएंगे कॉपर सल्फेट के। इफ़ इट इज़ नॉट वेट फॉर द सम टाइम मोर, यदि आपको नहीं दिखे तो आपको फिर थोड़े टाइम के लिए उसको रख देना है। तो आप देखो थोड़े थोड़े आपको क्या मिलेंगे इसमें क्रिस्टल्स आपको दिखाई देंगे। यू मे यू हैव द लर्न अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल चेंज, आप अब हमने पढ़ा है इसमें फिजिकल केमिकल चेंज दोनों के बारे में। ट्राई द आइडेंटिफाई द चेंज दैट यू ऑब्जर्व अराउंड यू, और आपको जो भी आपने केमिकल फिजिकल चेंज दे आपको पहचानने हैं जो भी आपके आसपास हो रहे कि किस तरह का वो फिजिकल चेंज है केमिकल चेंज है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, मिलते हैं आपको। अभी मैंने मैथ की भी स्टार्ट किए हैं तो अभी मैथ की स्टार्ट करेंगे, मतलब अभी एक चैप्टर इंट्रोडक्शन हुआ है अब उसकी एक्सरसाइज करते हैं। तो तब तक के लिए मिलते हैं आपको मैथ की वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।